हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गोल्ड के बारे में। आपने नाम सुना नहीं होगा इस फिल्म का, तो आपको बता दूं हाल ही में एक पोस्टर रिलीज किया गया गोल्ड मूवी का। ये गोल्ड मूवी एक्चुअली आपको बता दूं, ये हमारा पहला गोल्ड जो इंडिया ने जीता था आजादी के बाद 1948 में, ये उसकी कहानी है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये फिल्म का पोस्टर पहला रिलीज हुआ है, तो मैंने रिलीज डेट देखी और देखा कि आखिर किस तरह की ये मूवी है। आपको पता चल गया होगा ये ओलंपिक से जुड़ी हुई मूवी है जहां पे इंडिया ने पहला अपना गोल्ड जीता था। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम वाला एक फीलिंग वाली मूवी है, मतलब जैसे अक्षय कुमार मूवीज करते हैं सोशल मुद्दों पर, एक पेट्रियोटिज्म वाले मुद्दे पर, उसके ऊपर ये मूवी है। तो बहुत मैं एक्साइट हुआ। और आपको बता दूं ये फिल्म डायरेक्ट कर रही है रीमा कार्की ने इसके पहले फिल्म बनाई थी हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अलावा आमिर खान के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म बनाई थी तलाश। तो इसके बाद ये इनकी तीसरी फिल्म होगी और कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत ही अलग जॉनर की है। दोनों फिल्मों का अलग अलग एक अपना लुक था, एक थोड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइप फिल्म थी हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका तलाश थोड़ी सीरियस टाइप फिल्म थी, और तीसरी फिल्म एक कहीं ना काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म आप इसको बोल सकते हो। तो ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर, उनका जो बैनर प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्शन है एक्सल एंटरटेनमेंट के अंडर ये फिल्म प्रोड्यूस होगी। और ये पहली बार है कि जब फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के साथ अक्षय कुमार ने हाथ मिलाया है और रीमा कार्की इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है। अब आप सोचते हो कि फिल्म रिलीज कब होगी, आपको बता दें ये फिल्म के लिए काफी वक्त है, अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है। ये फिल्म की जो रिलीज डेट रखी गई है वो भी आपको बहुत सही लगेगी, अगस्त 15, 2018, यानी कि अगस्त 15, 2018 को इंडिया को पहला गोल्ड मेडल मिलेगा आजादी के बाद का। तो इस तरह से कुछ ट्विटर पर शेयर किया है अक्षय कुमार ने, और एक लुक में आप देखोगे पोस्टर के तो सिर्फ एक गोल्ड नजर आ रहा है जिसमें लिखा है 14th ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो आपको बता दूं 14th ओलंपिक्स जो हुआ था लंदन में हुआ था, तो इसीलिए ये लिखा गया। अब आप सोचते होंगे यार किस फील्ड में इंडिया ने गोल्ड जीता, तो आपको बता दूं उस वक्त अगर इंडिया में कुछ सबसे ज्यादा फेमस थे हम हॉकी में थे। हॉकी में आई थिंक हमने 12 टाइम पार्ट लिया है 1930s से कुछ 60s 70s 80s तक, तो उसमें से हमने कुछ 8 बार में गोल्ड मेडल जीता है। तो कुछ इस तरह का हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा है हॉकी का, फील्ड हॉकी का। तो हमने जो गोल्ड जीता था जो ये 1948 में, ये हमने फील्ड हॉकी में ही जीता था, मतलब तो हॉकी खेलते वक्त ही ये हमने गोल्ड जीता था। यही एक टाइम आपको बता दूं जिसे 11 बार प्लेयर्स होते हैं हॉकी में, तो उसमें एक ही को गोल्ड मिलता है, मतलब एक टीम को मिलता है गोल्ड। तो उस तरह से हमारा पहला गोल्ड आया था हमारी आज़ादी के बाद, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। एज ए फ्री नेशन इंडिया गॉट द गोल्ड, आई थिंक ग्रेट ब्रिटेन भी कम्पीट करा था, ग्रेट ब्रिटेन को सिल्वर मिला था, तो हम ग्रेट ब्रिटेन जो हमें हम पर राज करता था हमने उनको भी हरा दिया था, हमने गोल्ड जीत के लाया था। तो बहुत एक बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है। आई थिंक फिल्म में इसी का यही दिखाया जाए किस तरह से हमारी एक जर्नी रही ओलंपिक्स तक और हमने पहला गोल्ड मेडल किस तरह से इंडिया को जिताया। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ अक्षय कुमार की इस मूवी के लिए, और आई होप आपको पसंद आएगा। मैं इसका पोस्टर जो है अपने थंबनेल में भी डालता हूँ, और चाहिए तो मैं आपको मैं ट्विटर का जो इसका लिंक है अक्षय कुमार का वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर सकता हूँ, ताकि आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो कुछ और बॉलीवुड खबर पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।